के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। बता मायावती की, मायावती ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने निशाने पर लिया है समाजवादी पार्टी को, निशाने पर लिया है कांग्रेस को और निशाने पर लिया है बीजेपी को। इस दरमियान मायावती ने एक एक करके समाजवादी पार्टी, इसके साथ साथ बीजेपी को टारगेट किया। सपा के अलावा बीजेपी और कांग्रेस पर खूब बरसी आज मायावती। क्या क्या बड़ी बातें रही मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मायावती ने जो जो बातें कही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। मायावती ने कहा कि सपा के एमएलसी को किसी भी हालत में वो जीतने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी से गठबंधन को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। जो छह प्रमुख बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते, बीजेपी को सीधा सीधा टारगेट किया है, हमने बीजेपी से कोई गठबंधन किया नहीं। दरअसल जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मायावती की, उसमें ऐसा लगा और राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं थी कि यह स्पष्ट संकेत है कि अब बसपा बीजेपी का गठबंधन, क्योंकि बीजेपी ने नवा कैंडिडेट उतारा नहीं यानी, और बसपा ने उतारा यानी कि बीजेपी का समर्थन। और इस बीच में आपको ये बता दें कि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया, सपा को उसके दलित विरोधी कृत्यों का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे, अकेले मैंने बीजेपी की बात नहीं कही थी, यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे, लेकिन सपा के दूसरे खड़े किए गए एमएलसी के प्रत्याशी को हम किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। तो मायावती की एक ही बात, बस सपा को हराना है। अब एक छोटा सा ब्रेक। न्यूट्रिला गोल्ड माने पूरे